हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर से गरौली से है, जहां पटवारी के घरे माही ईओडब्ल्यू के छापा पड़ा। पटवारी श्याम चरण दुबे पटवारी हल्का डगा माही पदस्थ हमा। अपने को बता दें कि रीवा के ईओडब्ल्यू के टीम बिहन ने दबिस दीन। वह सूत्रन के मानी था आज से अधिक संपत्ति के खुलासा हो सका था। यह सलगी कार्रवाई से गरौली जिला के बैढ़न मुख्यालय में पटवारी के घरे में चल रहा है। यूडब्ल्यू रीवा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि डगा हल्का के जो तहसील देवसर है, वहाँ के पटवारी श्यामाचरण दुबे के पास आय से काफ़ी अधिक संपत्ति है। इसकी जांच की गई, जांच में सत्यता पाई गई। माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेकर आज ईओडब्ल्यू की टीम ने सर्च कार्रवाई शुरू प्रारंभ की है। इसमें अभी तक कई बड़ी जो है वो जानकारी मिली है। बुलेटिन के अगली खबर रीवा से है, जहां के काफी हाउस माही ओबीसी महासभा पत्रकार वार्ता के आयोजन करी। इस समय पदाधिकारी कहीं के सरकार जो पंचायत और नगरी निकाय चुनाव कराए रही है, ओमा ओबीसी खातिर आरक्षण आबादी के हिसाब से घोषणा कराए, ओके बाद चुनाव करावा जाए। आई सुनी अधिकारी का कह रहे हमारा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जीएसटी पंचायत को लेकर के, नगरीय निकाय को लेकर के, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार कमलनाथ जी ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, जिसमें स्टे होने के बाद उसको 14% किया गया और फिर से इस सरकार ने 14% को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना आरक्षण के, मतलब ओबीसी के बिना आरक्षण के जो है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव कराए गए। इसके परिप्रेक्ष्य में फिर बीजेपी वालों ने एक नाटक रचा और उसमें क्या है कि 50% सीमा के अंदर आरक्षण बहाल कराया। आज रीमा के कलेक्ट्रेट कार्यालय माही रीमा सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ कलेक्टर अधिकारी के समीक्षा बैठक लिहिन। इस समय माही रीमा सांसद और कलेक्टर अधिकारी के फुर्ती से काम का निपटावे खातिर बात कहिन। तुम्हें कलेक्टर अधिकारी का लापरवाही करे में निलंबित कराए के खिलाफ आदेश जारी करी ही वे। आई सुनी आपन रीमा सांसद जनार्दन मिश्रा का। तो अभी ये किसके किसके लिए नहीं हुई? एक एक कंप्लीट एक कंप्लीट किसके लिए? एक पत्र ये कल आप लोग सब लोग फिजिकली वेरीफाई किए? जी हाँ, वो समीक्षा बैठक थी, कितने काम प्रगति पर हैं क्या है। तो अमूमन काम काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ही जो लक्ष्य है उसको पा लेंगे। किस तरह का क्या निर्णय? जी बस निर्णय क्या, वो तो काम की समीक्षा थी, जहाँ थोड़ा बहुत कोई कठिनाई है अधिकारियों को कर्मचारियों को तो कैसे दूर किया जा सकता है उन कठिनाइयों को, वो सारे इशू जो छोटे छोटे थे उनको हल करने का काम किया गया है। रीमा के गढ़ थाना के अंतर्गत भौखरी गांव के पूर्व सरपंच रामसिया यादव के दबंगई के मामला समुहियापा। अपने को बता दें कि जानकारी मिली कि चोरी के लाइट जलावत रहे, जेखर शिकायत में पकड़े गए बिजली के कर्मचारी का 2 घंटा तक कट्टा की नोक माही बंधक बनाए के रखे रहे। वह 100 नंबर गाड़ी के पहुंचे के बाद पुलिस कर्मचारी का छुड़ाए के मामला माही FIR दर्ज करी ही भाई। पुलिस बताइन के सलगे मामले में FIR दर्ज कर के मामला की जांच की जा रहा ही भाई। वहाँ मामला माही एक जने फरार हो बताए जा रहा हमारा। अलाई सब पे काटा, काहे बिल नहीं दे शासन के, पर जब बिल ना कटवे तो ना जावे, बिल काट के जावे, सब के कनेक्शन काट के जावे। हाँ, ये लालगांव चौकी क्षेत्र के पास, लालगांव के पास का एक गांव था, भोकरी करके गांव है, वहाँ पर MPB के कुछ कर्मचारी गए थे। एक तो CM ऑनलाइन की शिकायत का कुछ था तो उससे समय में चर्चा करके उसको बंद कराने का वो कर रहे थे। दूसरा चीज़ था बिल बकाए थे, तो उस संबंध में वहाँ जब ये लोग गए तो कुछ बात विवाद हुआ, तो उसमें वहाँ लोगों को रोक लिया गया। रोकने के बाद जब इन 100 डाल को खबर आई तो 100 डाल ने जाकर उनको मुक्त कराया। उनने जो लिखित में आवेदन पत्र दिया उसके आवेदन पत्र पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, जिसमें धारा 353 341 294 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 4 लोगों को इसमें आरोपी बनाया, जिसमें एक पूर्व सरपंच भी है और बाकी के लोग हैं। अब तक जिला माही दुपहिया और 4 पहिया वाहन के चोरी के
घटना संघिया बढ़ रही पाए अब हार्वेस्टर लापता हुए लाग है। अपना को बता दी कि ये सिमरिया थाना क्षेत्र की घटना है जहां के किसान सर्वेश सिंह थाना पहुंच के शिकायत दर्ज कराई है कि उनका हार्वेस्टर चोरी हुई है। बताबा जात है कि किसान हार्वेस्टर कटाई खातिर दिए रहे जिनका लेके युवक लापता हो गया है। वही पीड़ित की शिकायत में ही पुलिस आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामला दर्ज कर ली है और जांच कर रही है। रीवा माही समाज सेवी विश्वनाथ चोटी वाला अपन धरना आज दूसरे दिन खत्म कर दी है जहां अधिकारी के आश्वासन के बाद यह धरना खत्म कीनगा। ये मामला माही समाज से भी बताएं कि गड़रिया टोल प्लाजा के लगे कुछ जने जमाइन माही अवैध तरीका से कब्जा कर ले रहे हम जेकर मामला तहसील न्यायालय में दायर कीनगा रहा। वह न्यायालय के आदेश माही 15 दिन के भीतर कब्जा हटावे के आदेश दिन गा रहा। एक बाद नायब तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी कब्जा नहीं हटवाए रहे जहां आश्वासन और FIR दर्ज कराए के बाद वो अपन धरना खत्म कर दी। हमारे मामले को गंभीरता से लेते हुए आज जिन मामले को लेकर के हम अपने 3 मुद्दों को लेकर के अड़े हुए थे तो पुलिस प्रशासन ने कल ही शाम को आकर के और हमारी जो बाउंड्री में गेट लगाया गया था गेट को बंद कर दिया गया था। हमारी बात करी गई थी अनुदिया और अरुण प्रताप सिंह भोलानाथ महेंद्र पटेल राम निवास द्वारा उन लोगों द्वारा जो हमारी बाउंड्री वॉल तोड़ी गई है पुलिस प्रशासन ने आकर के खराब करके हमारे बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया। हमारे गेट को जो बंद कर दिया गया था उसको खुलवा दिए और सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गंभीरता से हमारे मामले को लेते हुए और FIR दर्ज करके और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है और आज आकर के कल भी आकर के और धरना स्थल पर ही हमारा कथन लिया गया और आज आकर के अन्य लोगों का कथन इसी धरना स्थल पर लिया गया है और हमारे जो सिटी कोतवाली के उप निरीक्षक हैं उनके द्वारा आज जूस या पानी पिला करके और धरना को खत्म किया गया। मैं सभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को बहुत बहुत मध्य प्रदेश पुलिस विभाग पुलिसिया व्यवस्था में सुधार ले आवे खातिर बीट प्रभारी का अब बीट अधिकारी के प्रभार दे दी ही बे और व्यवस्था का शहर से लेके गाँव तक बनाई गई बे। ये प्रदेश स्तर पर पुलिस मुख्यालय ने एक निर्देश जारी किए थे जिसमें प्रदेश के सभी थानों में जो बीट सिस्टम है जो अभी तक क्या होता था कि बीट में एक अधिकारी होता था उसके अंडर में 3-4 कर्मचारी होते थे इस तरह से एक बीट बन जाती थी। जैसे रीवा शहर में कोतवाली में 2 बीट थी, समान में 2 बीट थी, सिविल लाइन में 3 बीट थी, इस तरह से उसमें एक अधिकारी होता था उसके साथ एक हवलदार 2-4 कर्मचारी इस तरह से सिस्टम बना था पुराना सिस्टम। नए सिस्टम के तहत जब बीट सिस्टम बनाया गया है रीवा ज़िले ने भी उसका पालन किया और यहाँ भी सिस्टम बन गया है उसमें अब क्या है कि कर्मचारी को बीट का अधिकारी बना दिया गया है कि ये गांव ये मोहल्ला ये वार्ड में ये कर्मचारी जो है आरक्षक वो बीट का अधिकारी रहेगा और इस तरह से सभी क्षेत्रों में कर्मचारी यानी आरक्षक लेवल तक को बीट का अधिकारी बना दिया है। उसके बाद अलग अलग बीटों को बांट के उन पर सुपरविजन करने के लिए उनके अधिकारी लगाए गए हैं तो ये नया सिस्टम रीवा जिले में भी पूरी तरह से लागू कर दिया गया। आज के बुलेटिन में इतने बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।